रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में बांदा बहराइच हाईवे पर स्थित कुंभी गांव के पास 12 वर्षीय आशीष कुमार पुत्र नौमीलाल निवासी गोबरे का पुरवा मजरे कुंभी को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसकी चपेट में आकर आशीष कुमार के बाएं पैर के पंजे से लेकर जांघ तक चिथड़े हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर आनंद फानन में पहुंची पीआरबी 1750 पर तैनात हेड कांस्टेबल सोमनाथ सिंह, होमगार्ड पवन कुमार शुक्ला, चालक त्रिभुवन सिंह द्वारा आशीष को गंभीर अवस्था में सीएचसी शिवगढ़ लाया गया, जहां पर किशोर की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात 108 एम्बुलेंस से ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक किशोर की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। वहीं आशीष की मां श्रीकांति के मुताबिक उसका बेटा साइकिल से भवानीगढ़ स्थित पेट्रोल टंकी पर डीजल लेने के लिए जा रहा था, तभी कुंभी गांव के पास बछरावा की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसके बेटे आशीष को रौंद दिया। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। श्रीकांति ने बताया कि उसके पति दिल्ली में मजदूरी करते हैं। दो बेटों और तीन बेटियों में आशीष तीसरे नंबर का है, जो घर में रहकर पशुओं का चारा पानी करता था। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन। क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ। किसका? एक बच्चा है, वो 12-13 साल का। जी, तो उसको कहाँ लेके आए? सेवा से लाए। किससे एक्सीडेंट हुआ है? ट्रक से। ट्रक मिला कि भाग गया? ट्रक तो निकल गया। ट्रक किधर से किधर को जा रहा था? इधर से बछरावा से हैदराबाद तरफ जा रहा था। और कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? कुंभी के पास हुआ।